नमस्कार, मैं दिनेश कुमार प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आए हुए हैं मथुरा के वार्ड नंबर 16 के पार्षद जी हमारे सूरज तोमर जी, उनसे मुलाकात करने के लिए और परिचर्चा करने के लिए विकास के मुद्दों को लेकर और थोड़ा चुनाव के मुद्दों को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं जी। पार्षद जी नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। जी थोड़ा सा पार्षद जी अपना बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैं सूरज तोमर, मेरा नाम है, वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ जी, एसपी से। जी तो पार्षद जी अभी 4 साल हो चुके हैं आपके पार्षदी को यहाँ मथुरा के अंदर कार्य करते हुए, तो काफ़ी कुछ विकास आपने करा दिया है, तो थोड़ा सा बताइए विकास के बारे में कि कितना आपने अपने वार्ड के अंदर विकास करा दिया और क्या करा दिया। नहीं जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने जो आज ये विषय रखा है, विकास के मुद्दों पर चर्चा आपने रखी है। उसके बाद में सभी क्षेत्रवासियों, मथुरावासियों, ब्रजवासियों, देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस मौके पर। विकास की आप जो बात कर रहे हैं दिनेश जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 16, पहली बार नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आया है। तो जिस समय हम लोग नगर निगम, ये चूँकि नया बना है और नगर पालिका में भी ये क्षेत्र नहीं आता था, ग्राम प्रधानी में आता था, तो नया विकसित क्षेत्र है पूरा, अविकसित कॉलोनियों से भरा हुआ। 72-73 कॉलोनियाँ मेरे क्षेत्र में पड़ती हैं अविकसित पूरी। 2 गांव पड़ते हैं, नवादा और आलमपुर नाम से। रही विकास की हम बात करें तो मैंने पूरे अपने 4 साल में, हमने कोविड भी झेला है, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने रही विकास कार्यों को कराने की। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 5 करोड़ के काम तो उसके निर्माण के नगर निगम से और 3 करोड़ के जल निगम से कार्य कराए हैं। 8 करोड़ के काम तो मैंने नगर निगम से कराए हैं, निर्माण और जल निगम से दोनों से मिला। जी पूरा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य मैंने MBDA, आवास विकास, रूरल सबको मिला के मैंने कराए हैं। तो बहुत सारा विकास कार्य कराए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूँ, एक हमारा पुष्पांजलि वाला रोड हुआ करता था, बहुत वो 1 करोड़ का काम था। तंतुरा रोड हुआ करता, बहुत टैग में स्ट्रीम कार में मैंने काम चल रहा है, अभी 1 करोड़ के आसपास के काम चल रहे हैं। टैग में सिटी हुआ, आनंदवन में चल रहा है, बहुत सारे काम विकास के MBDA के माध्यम से भी हमने सहयोग लिया है और बहुत अच्छा विकास का कार्य चल रहा है और चला है। लेकिन अपेक्षा चूँकि जनता की बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है और क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ विकास नहीं पहुँच पाया। जी जी तो अभी पार्षद जी, 8 महीने आपके अभी कार्य को रह चुके रह गए अभी आपके करने के लिए, तो अभी 8-9 महीने के अंदर अभी क्या क्या ऐसे कार्य जो आप कराना चाहेंगे, जो आपकी नज़र में है कि नहीं तो मुझे 8-9 महीने में करा नहीं कार्य? देखिए, कई सारे ऐसे कार्य हैं जो मुझे अभी 8-7 महीने में कराने हैं। एक तो मेरा विशेष मुद्दा ये रहा था दिनेश जी कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त एक जो है बाढ़ में एक कार्य देने का काम किया है। पिछले कार्यकालों में क्या होता था, लोग घरों से चंदा उगा के जो विकास कार्य कराते थे, मिट्टी के नाम पे पैसे उगा लेते थे और 1-2 लाख रुपए कॉलोनी से उगा लिया और उसके बाद में सड़क मिट्टी के नाम पे उसकी पर्ची बना दी और जो कट गया। तो एक तो मैंने मुख्य मुद्दा यह रहा कि मैंने कहीं पूरे वार्ड में 1 रुपये चंदा का किसी से नहीं उगाने दिया है, किसी ठेकेदार को न किसी को। शौचालय, सुलभ शौचालय बनवाए अपने वार्ड में, वो एक विशेष उपलब्धि रही कि हमने जो है बिना किसी ठेकेदार से 1 रुपये भ्रष्टाचार किए पूरे 65 के आसपास शौचालय हैं जो मैंने अपने वार्ड में बनवाए। एक 2.5 एकड़ जमीन थी मेरे वार्ड में जो चरागाह की भूमि थी, जिस पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, चारों तरफ से मकानों के दरवाजे कर लिए, खिड़की कर ली, पशु बांध लिए इस तरह से, तो मैंने उसको खाली करा के उसमें बाउंड्री करा के 20,000 जो पेड़ लगवाने का और 5 साल के मेंटेनेंस का कार्य 60 लाख रुपये में उसको टेंडर कराया है, जो आज बहुत बड़े बड़े पेड़ घूमने लायक हो गए हैं। उसमें एक ट्यूबवेल भी लगवाई है, उसका रख रखाव भी हम ठेकेदार के जिम्मे है 5 साल के। जी जी अब अभी भी मेरा एक हरिनगर के पास में एक बारात घर हम लोग बनवा रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, जो हमारी जमीन वैसी पड़ी है, ग्राम समाज की जमीन है, उनको कोई न घेरे, उनमें कोई विकास कार्य ऐसा हो जाए जैसे बारात घर बनना, 20,000 पेड़ लगवाना या कोई सौंदर्यीकरण पार्क का हो जाए। एक डला घर नवादा में बनवाना है मुझे नगर के पास में, एक बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पार्क में फुटपाथ बनवाना है, एक प्राथमिक विद्यालय नवादा के लिए मैंने अभी टेंडर करा दिया है, उसमें गेट से लेके और ऑफिस तक कुछ विकलांग टीचर हैं जिन्हें जाने में दिक्कत होती है, असमर्थता होती है, तो उनके लिए एक फुटपाथ 2 मीटर चौड़ा हम बनवा रहे हैं। इसी तरह से कई सारी कॉलोनी में काम अभी हमारे लक्ष्य है।
जो हमें कराना है, कीचड़ से मुक्ति दिलानी, नालियाँ, अभी मैंने 5-6 ट्यूबवेल नई लगवाई हैं, पानी की सप्लाई हर घर तक पहुँचे, और सड़क ना हो तो कम से कम नाली हर क्षेत्र में पहुँचने का मेरा एक टारगेट है। कहीं लाइट लगनी जरूरी है तो लाइट लगवा रहे हैं, कहीं सड़क नहीं बन सकती है तो नालियाँ बनवा कर उनकी पीड़ा दूर कर रहे हैं, तो हर तरह से लोगों की पीड़ा को कम करने का काम हम करें जी। तो ये तो आप करा विकास का मुद्दा, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आपने सारा अपना जो विकास का पॉइंट थे सारे आपने बताई दिए अपने आप ही, कि किस प्रकार से आपने पानी की व्यवस्था कराई यहाँ पर, लाइट की व्यवस्था कराई यहाँ पर, और किस प्रकार से आपने और सड़कों का निर्माण किया। तो मेन ये चीज़ें होती है जो पब्लिक होती है आपकी, वो आपका पानी, रास्ता, लाइट, यही व्यवस्था ज़्यादा मानती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, और खासकर रास्ते, क्योंकि रास्ते को देख के आप ये बोलता कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ जाना बेकार है, तो रास्ते एक मुख्य मुद्दा होता है। अब बात करें हम उसकी चुनावों की बात करें, तो सर चुनावों का क्या यहाँ पे आपके वार्ड के अंदर साफ किताब चुनाव का बात करें। चुनाव की अगर हम बात करें तो 2-3 विषय हैं चुनाव के, जो हमारा एक तो हमारा पार्टी का बेस वोट बैंक है, वो तो हमारा फिक्स है, वो तो कहीं जाता नहीं, वो वोट बैंक तो हमारा अपना वहीं जाता है। दूसरा कुछ ये जो आर्मी की का जो वोट बैंक है वो भी लगभग फिक्स है, अपना देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत वो लोग रहते हैं, तो उनकी भावनाओं का भी हम लोग सम्मान करते हैं, वो अपना उनका भी लगभग लगभग फिक्स ही है। तो इस तरह से 2-3 मुद्दे यही, आजकल तो चुनाव जो है जातियों और धर्म के विषय पर रह गए हैं, विकास के मुद्दों पर वोट जनता नहीं करती है। यहाँ हम पूरे मथुरा शहर की जनता श्रीकांत शर्मा जी से नाराज थी, लेकिन लास्ट टाइम पर वोट की जब बात आई तो सब योगी जी और मोदी जी के नाम पर वोट दिया है लोगों ने, तो उम्मीद है वही प्रयुक्त भी रहेगा। और अभी होली आने वाली है कुछ ही दिनों बाद, रिजल्ट भी आने वाले हैं, अब जिसका रिजल्ट आएगा, जैसा रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आने के बाद जो पार्टी सत्ता में अपना राज करेगी उसके लिए तो पूरी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन फिर मैं चाहूँगा कि आप अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कहना चाहें होली के लिए, किस प्रकार से अपना होली का उत्सव मनाया अपने यहाँ। देखिए होली का उत्सव जो है ये एक खुशी का सेलिब्रेट करने का, एक ब्रज की होली का पूरे विश्व में नाम है। होली में अक्सर देखा जाता है कि सौहार्द की कमी थोड़ी सी हो जाती है, शाम को लोग थोड़ा सा शराब का जो चलन ऐसा है सेवन कर लेते हैं, उसकी वजह से आपसी भाईचारे में थोड़ी सी कटास आ जाती है। तो मैं ये चाहूँगा, अपेक्षा करूँगा लोगों से कि भाईचारे को बरकरार रखें, एक दिन, दो दिन, तीन दिन ब्रज की होली जिस रूप में मशहूर है, प्रसिद्ध है, खूब ढेर सारी होली खेलें, खुशियाँ मनाएँ, पकवान बनाएँ और खाएँ, और भाईचारे का जितना बढ़ावा दे सकें उतना बढ़ावा भाईचारे को दें, प्रेम से होली खेलें, आपस में एक दूसरे को गले लगा के, अगर कोई पुरानी कटास भी मनों में है लोगों के में तो उसको भी होली के दिन हम लोग ये कहते हैं कि होलिका दहन में उस पुरानी करवाहटों को भी दहन करने का काम हम लोग करें जी। तो आपने देखा सेवन कर लेते हैं, उसकी वजह से आपसी भाईचारे में थोड़ी सी कटास आ जाती है। तो मैं ये चाहूँगा, अपेक्षा करूँगा लोगों से कि भाईचारे को बरकरार रखें, एक दिन, दो दिन, तीन दिन ब्रज की होली जिस रूप में मशहूर है, प्रसिद्ध है, खूब ढेर सारी होली खेलें, खुशियाँ मनाएं, पकवान बनाएं और खाएं, और भाईचारे का जितना बढ़ावा दे सकें उतना बढ़ावा भाईचारे को दें, प्रेम से होली खेलें, आपस में एक दूसरे को गले लगा के, अगर कोई पुरानी कटास भी मनों में है लोगों के में तो उसको भी होली के दिन हम लोग ये कहते हैं कि होलिका दहन में उस पुरानी करवाहटों को भी दहन करने का काम हम लोग करें जी। जी, तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप इन्होंने बेवक्त तरीके से अपने कार्यों को वर्णन किया और अपने कार्यों को गिनाया इन्होंने कि किस प्रकार से मैंने कार्य किया, और साथ में चुनाव के बारे में भी बताया और होली की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ में पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने समय कीमती समय निकाल दिया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।